इस वक्त तूफान डोरियन ने कैरिबियाई देश में जमकर उत्पात मचाया है। बहामास में जमकर कहर बरपाने के बाद अब इसका रुख फ्लोरिडा की ओर लगा हुआ है। सबसे खतरनाक पांचवी श्रेणी के इस तूफान की वजह से इस वक्त बहामास में जमकर तबाही हुई है। इसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13,000 घर पूरी तरह नष्ट हो गए। तूफान के कारण इस वक्त हवाएं 297 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ग्रैंड बहामा के मंत्री कवासी थॉमसन ने बताया कि हालत बेहद खराब है। बचाव कर्मी भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। हालात नियंत्रण में आते ही बचाव कार्य में तेजी आएगी। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने फ्लोरिडा और जॉर्जिया के तटीय इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के रास्ते में थोड़ा सा बदलाव फ्लोरिडा में बड़ी तबाही मचा सकता है। अमेरिकी राष्ट्र मौसम विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर हवा और समुद्र में लहरों से भारी तबाही इंगित कर रही है। अबाको द्वीप का एक हिस्सा जलमग्न है। मौसम सेवा ने 18 से 23 फुट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में आपात स्थिति घोषित कर दी है और आपदा राहत प्रयासों के लिए संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीआरएस न्यूज़।